हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अपडेट्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हेली शाह का कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है या नहीं, और उनका कोई मतलब उनको कोई न्यू प्रोजेक्ट ऑफर किया गया है या नहीं। सो गाइस, इस वीडियो के इन तक बने रहेगा टुडेज वीडियो। सो गाइस, हेली शाह को जो एक सपोर्टिंग वाला रोल दिया गया था, जैसे कि आप लोग इश्क में मजाओ सीजन 2 में देखे होंगे वंश का सपोर्ट कौन करता था, जैन इबाद खान जो है रोल प्ले करते थे, आंग्रे का एक सपोर्टिंग वाला रोल प्ले करते थे। सो हमारी हेली शाह तो मतलब इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस है, सो वो तो ऐसा छोटा मोटा सा रोल नहीं लेगी, मतलब कोई भी रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, बट ये सपोर्टिंग वाला रोल वो क्यों लेंगी और उनके ऊपर डिपेंड करता है। शो को अगर किसी को ऑफर आता है कोई भी शो का, कोई भी मतलब कैरेक्टर का, तो उसके पहले जो है उनको बता दिया जाता है जो आपका ऐसा कैरेक्टर मतलब आपको आप क्या ऐसा किरदार प्ले करेंगे, ऐसा कैरेक्टर, सो वो जो है बता देती है। वो अगर प्ले करेंगी तो वो एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। सो उनको एक ऑफ़र आया था, मतलब 2-4 शोज़ के जो है उनको ऑफ़र आए हुए थे। एक मतलब कौन कौन से शो के आए थे ये तो मुझको नहीं पता है, बट सपोर्टिंग रोल का आया था, सो उन्होंने जो है उसके लिए जो है उन्होंने रिजेक्ट ही किया है जो सपोर्टिंग रोल वाला आया था। और एक दो जो है आया था मेन लीड रोल के लिए, सो उनको जो है वो मेन लीड रोल का जो भी मतलब जो भी कैरेक्टर था, सो वो जो है उनको अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने जो है रिजेक्ट किया है। सो गाइस, वो जो है अभी मतलब मेन लीड रोल चाहती है, जैसे कि रिधिमा का रोल था नॉर्मली सा, और वो जो है अभी बहुत मतलब आप लोग देख सकते हैं जब राहुल सिद्धि देहरादून में अपनी मम्मी मॉम के पास थे, अपनी मम्मी के पास थे, सो उस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ है मतलब 22 मिनट का एपिसोड रहता है, 22 मिनट का एपिसोड में हमारी हेली शाह ही तो मतलब 19-20 मिनट दिखाई जाती थी, और कुछ आंगरे का मतलब आंगरे और ईशानी का कुछ नहीं दिखाया, कहाँ चले जाता था। सो यही जो है, इसलिए हेली शाह इतना सारा मतलब 19 मिनट ही तो उनको दिखाया जाता, इतना ज़्यादा उनको शूट करना पड़ता है मैं मरजाओं के लिए मतलब सिलीगुड़ी पे, तो वो जो है अभी थोड़ा सा ब्रेक तो लेंगे। और वो अभी वो जो है छोटे मोटे कर रही है, छोटे उन्होंने इसमें मरजाओं के बाद जो है दो ही एडवर्टाइज किए, एक तो शॉपिंग के रिलेटेड था और जो है हेयर के मतलब हेयर का कुछ ये था, तो मुझको उतना नहीं पता है, बट यही रिलेटेड जो है उन्होंने किया था दो एडवर्टाइज इश्क में मजवाओं के बाद। सो उनको जो है यही सब रोल्स के जो आए थे, सो फर्स्ट तो उनको जो है सपोर्टिंग रोल का आया था, जैसे आंगरे जैन इबाद खान जैसे करते थे इश्क में मजाओं में आंगरे का रोल, तो वैसे ही उनको जो आया था, बट वो जो है सपोर्टिंग रोल प्ले करना नहीं चाहती है। और जो बात आती है उनके लीड रोल की, सो वो लीड रोल ही करेगी, बट जो भी उनको लीड रोल का ऑफर आया वो जो है उस ऑफर का मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया। सो इसमें जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये तो हेली शाह के ऊपर डिपेंड करता है, सो वो किस ऑफर को एक्सेप्ट करती है नहीं करती है। उनको अभी तक जो है कोई भी वेबसाइट मतलब इश्क में मरजाओं के बाद उनको जो है कोई भी वेब सीरीज़ का ऑफर जो है नहीं आया है। सो अगर आता है सो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। सो या इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही हेली शाह राहुल सुधीर इश्क में मरजाओं सीजन 3 के रिलेटेड अपडेट्स के लिए। सो या गाइस, अपडेट मिलता है मिलती हूँ, तब तक के लिए जुड़े चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।